अस्सलाम वालेकुम जी, मियाँ बहाज नेक्स्ट पाथ रियल स्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से। मेरे तमाम देखने वालों को सबसे पहले नया साल मुबारक हो। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपके लिए ये जो साल है वो बहुत अच्छा साबित हो और आपकी जो भी विशेज़ हैं वो तमाम अल्लाह के हुजूर वो पूरी हों। इसके अलावा आज जुमे का दिन है, जुमा मुबारक भी। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, स्पेशली लाहौर स्मार्ट सिटी के वो क्लाइंट्स जो यहाँ पर बुकिंग करवाना चाहते थे या जो ऑलरेडी यहाँ पर बुकिंग करवा चुके हैं। आपने देखा होगा, सुनने में आ रहा था औसाफ के अंदर, नेशन के अंदर और इसके अलावा झंग अखबार के अंदर कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जो लैंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। अगर हम रकबे की बात करें, मतलब तमाम जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट जो आता है इतने बड़े स्केल पर उसके कंपेटिटर्स भी होते हैं, तो बहुत सारी मिसकन्फ्यूजन थी। तो 2153 कनाल जो कि अब आप देख सकते हैं कि एलडीए की तरफ से इश्तहार जारी किया गया है, तो इट बेसिकली शोज़ कि वाकई लाहौर स्मार्ट सिटी हबीब रफीक जो है, जैसे उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर सारे अपने मामला किए थे, लीगल वर्क किए थे, इसी तरह वो इसको भी लेके चलेंगे। और इंशाल्लाह ताला जिन लोगों ने भी प्री लॉन्चिंग के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी उनके लिए ये 2021 जो है वो बहुत बेहतर साबित होगा। कैसे बेहतर साबित होगा? क्योंकि अमूमन बहुत सारे लोग मैंने देखा है ये भी कह रहे हैं कि जी ये अखबार में आ गया, NOC प्रूव हो गया, हो गया, एवरी थिंग इज़ ओके नाउ। सबसे पहले मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा अपने तमाम देखने वालों के कि NOC अभी नहीं मिला। इवन कि उस इश्तहार के अंदर भी लिखा हुआ है कि NOC, इसको ये ना समझा जाए कि ये एक प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, कि यानी 2153 के नाल में अगर किसी रेवेन्यू अथॉरिटी को कोई एतराज़ है या किसी बंदे को कोई एतराज़ है, क्योंकि अब वो इसको वेरीफाई करने के बाद जो है उसको प्लानिंग परमिशन दे देंगे ताकि वो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सके। तो ये इश्तहार हमेशा उन प्रोजेक्ट्स का आता है जो इस इश्तहार के बाद, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है, 10 से 15-20 दिन के अंदर NOC मिल जाता है और काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक इंडिकेशन ही होती है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इंडिकेशन है, पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी सिवाय कुछ नेगेटिव बातों के। तो अब एक पॉजिटिव चीज़ आ चुकी है जो कि आप लोग अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हुए हैं तो आपके लिए ये 2021 जो है नया साल इंशाल्लाह ताला लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि इधर 7 और 12 मरले के भी प्लॉट आएंगे और इसके अलावा ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे। इसके अलावा इस नए साल के अंदर 4 और 8 मरले के कमर्शियल भी लॉन्च किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह जो है मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल इस्टेट के हवाले से आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, पहले भी मेरी वीडियो बन चुकी है कि एक नोटिफिकेशन आएगा और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये नोटिफिकेशन आ चुका है। इसलिए मज़ीद अपडेट्स के लिए, टाइमली चीज़ों को जानने के लिए, ताकि आप राइट टाइम पे सही डिसीजन ले सकें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए नंबर से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकअल्लाह।